सो स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी वो रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस के बीच में जो होगी रिएक्शन होगी और उनसे जिस चीज़ का फॉर्मेशन होगा वो होगा सॉल्ट और वाटर. हमेशा जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. ओके, ये आपको चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस वाले में आपको यानी रिएक्शन दोबारा देखने को मिलेगी. सो अब हमने इसमें एग्जांपल ले रखा है, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. अब HCl हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH जो है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है, एक बेस है. इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन से किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, NaCl. NaCl यानी सॉल्ट. NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो कि है एक सॉल्ट. सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और प्लस वाटर जो है वो निकल गया. सो यही हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सबसे पहले अभी हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं. सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास होती है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड. ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो वो क्या हो, ऐड हो, और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. हाइड्रोजन जो वो रिमूव्ड हो जाए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो, और इलेक्ट्रॉन जो हो वो क्या हो, लूज हो जाए. अब इनके एग्जांपल देखो, मैंने उनके डेफिनेशन के आगे उनके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो जाए. फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे Mg मींस मैग्नीशियम, ये किसके साथ रिएक्ट करा, O2 के साथ रिएक्ट करा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा. तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, उन्होंने क्या फॉर्मेशन करा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इधर देखो, इधर मैग्नीशियम क्या था, अकेला था, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बट प्रोडक्ट में क्या हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया. तो यानी इस वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो यानी इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इस वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है. अब नेक्स्ट इसमें जो हमें दे रखा है, हाइड्रोजन इज रिमूव, यानी हाइड्रोजन जो होगी वो रिमूव हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे हमारे पास था H2S. ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास यहाँ पर है. अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं देखूँ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ S सल्फर अकेला रह गया. H ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, HCl के साथ, तो फॉर्मेशन कर लिया HCl. अब यहाँ पर जिस टाइम हमारे पास सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, प्रोडक्ट साइड में नहीं है, यानी क्या हुआ यहाँ पे, इसमें और इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन निकल गई. पहले हमारे पास सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन थी, बट प्रोडक्ट में क्या हुई, हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन इधर आ गई Cl के साथ. तो यानी क्या हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हुई, रिमूव हो गई हमारे पास. थर्ड जो हमारे पास डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना. अब देखो जिंक है यहाँ पे हमारे पास, जिंक ने क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2+, तो उसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसने उनको लूज कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए. तो अगर मैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझूं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगी, या तो मेरी ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो रिएक्शन में, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए. तो वो तीनों जो हमारे पास इसमें डेफिनेशन है, अगर ये तीनों चीज़ें हमारी ये किसी रिएक्शन में हो रही है, तो वो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन कहलाएगी. अब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली थी क्या होती है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें रिडक्शन रिएक्शन. अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो रिमूव. रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन इज एडेड, यानी जितना ऑक्सीडेशन का था ना, उसको ऑपोजिट आप रिडक्शन में कर सकते हो. उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन हमारी ऐड होगी. उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी. उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. अब इनको अगर हम एग्जांपल से समझें, सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, किस चीज़ का फॉर्मेशन करा, NaH मतलब सोडियम हाइड्राइड. ओके,
तो यहाँ पे अब हम देखें तो क्या हुआ, एन ए यहाँ पर अकेला था, एन ए के साथ और कुछ भी नहीं है, बट प्रोडक्ट साइड में एन ए के साथ कौन अटैच हो गया आगे, यहाँ पे एन ए बिल्कुल अकेला है, यहाँ पे एन ए के साथ आ गया हमारा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो वो प्रोसेस क्या होगा हमारा, रिडक्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पे एन ए अकेला था बट यहाँ पे एन ए के साथ हाइड्रोजन आ गई, तो हाइड्रोजन ऐड हुई तो वो होगी रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट सी यू ओ यानी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर अलग हो गया और फॉर्मेशन हुआ H2O यानी वाटर का। अब यहाँ पर देखो सी यू के साथ क्या था, ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, सी यू के साथ जो ऑक्सीजन थी वो नहीं है, वो किसके साथ चलेगी, वाटर, यानी सी ओ क्या, सी यू क्या हो गया, अकेला हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन का रिमूवल, कॉपर जो हमारा रिएक्टेंट साइड था उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, बट जैसे उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी उसमें से ऑक्सीजन निकल गई और वो अकेला रह गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पहले देखा था जिंक ने क्या करा था, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, अब यहाँ पे क्या करा जिंक ने, ये जो जिंक है इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन कर लिए, गेन करने के बाद इसने क्या बना दिया, जिंक मेटल। ओके, सो हमारी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप, अब नेक्स्ट हमारी है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन नहीं है, बेसिकली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक पार्ट है। पार्ट कैसे, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब यानी, अब जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो अब इसमें आप बोलोगे इसमें तो हमारी दोनों चीज़ें आ गई, ऑक्सीडेशन भी आ गई रिडक्शन भी आ गई, तो अब हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों हो रहे हो, तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड CuO, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करा, कॉपर प्लस H2O। अब मैं यहाँ देखूँ कि मेरा जो रिएक्टेंट है इसमें CuO है, बट वहीं पर ही अगर मैं देखूं प्रोडक्ट में मेरा ओ नहीं है, प्रोडक्ट में ओ किसके साथ चला गया, एच के साथ चला गया, तो इसमें मेरे पास दो केसेस बन रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन थी इसमें नहीं है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन होना ऑक्सीजन का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, सो अब इस रिएक्शन में दो चीजें हमारे पास आई, एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, यानी दोनों ही हो रही है, तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो।